समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद उनके जनाजे की तस्वीरें देख लीजिए। जनाजे में मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। शफीकुर रहमान बर्क की अंतिम विदाई में उनके जनाजे में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जनाजा जिस गली से निकल रहा था उसका कोई कोना कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। जहां नजर घुमाएंगे वहां बस लोग ही लोग नजर आएंगे। शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी बात कह दी। ओवैसी का कहना है कि शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद मुस्लिम राजनीति को नुकसान होगा। दरअसल शफीकुर रहमान बर्क लंबे समय से या यूं कहें कि शुरुआत से ही मुसलमानों की बात उठाते आ रहे हैं। एक बड़े मुस्लिम राजनेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। चाहे बाबरी मस्जिद हो या ज्ञानवापी मस्जिद, वो लगातार मुसलमानों का पक्ष सामने रखते आ रहे हैं। और अब शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए दुख जताया। ओवैसी ने लिखा, देश के वरिष्ठ सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब की वफात की खबर सुनकर मुझे काफी अफसोस हुआ। वो निहायत नफीस मिजाज के शख्सियत और मेरे वालिदे मोहतरम महरूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के करीबी दोस्त थे। बर्क साहब को संभल के लोग मोहब्बत से अब्बा बुलाते थे। उनकी वफात भारत के मुस्लिम राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है। महरूम शफीकुर रहमान बर्क साहब की बेबाकी और दिलेरी हमेशा याद रखी जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि महरूम की मगफिरत फरमाए और उनके पसमांद गान को सब्र ए जमील अता फरमाए। तो वैसी ने बर्क के निधन को मुस्लिम राजनीति के लिए एक भारी नुकसान बताया है। बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कल यानी 27 फरवरी को मुरादाबाद के सिद्ध अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।